सभी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इसी बीच में आ गए हैं एक नया जोग लेकर आपके लिए, हीरा व संबाड़ा, जो कि वैसे तो पहले भी काफ़ी बार बनाया है लेकिन इसको मैं हर बार चेंज करता रहता हूँ। इस बार मैंने दो तीन आइटम इसमें नई डाली हैं, जैसे कि अर्जुन का गणशतव नया डाला है और इसमें एक दो आइटम और नई ऐड की हैं, तो किसी भाई के लिए बना रहा था। इसमें इस बार मैंने मंडूर और स्वर्ण मक्षिकासन भी डाली है ताकि लीवर के लिए ये बढ़िया कार्य करे। तो जिनको गर्मी है रोगियों को, वो भी अब इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो योग का बहुत बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। तो बाहर से किसी भाई ने ऑर्डर किया था, मैंने सोचा कि चलो मैं आपके भी आपको ज़रूर ये आपके सामने पेश करूँ। तो अभी मैंने हीरा भस्म इसमें डालना है 1 ग्राम और स्वर्ण भस्म 1 ग्राम, मोती पिष्टि 5 ग्राम, बाकी सभी औषधियाँ इसमें हमने पहले ही ऐड कर दी हैं। और जुंदेद वस्त्र ये 2 ग्राम, रेगमाही ये मैंने बारीक कर ली है, ये भी 2 ग्राम थी। बाकी आइटमें मैं आपको ध्यान दिलवाता हूँ, थोड़ा आप भी ध्यान कर लें। मंडूर भस्म 2.5 ग्राम, स्वर्ण मक्षिक भस्म 2.5 ग्राम, त्रिभंग भस्म 2.5 ग्राम, लता कस्तूरी 3 ग्राम, अतुल शक्तिदाता जो 2.5 ग्राम, मोती पिष्टि 5 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 5 ग्राम, जुंदेद वस्त्र 2 ग्राम, केसर 2 ग्राम और इसके अलावा स्वर्ण भस्म 1 ग्राम, लौंग जायफल जवित्री का इकट्ठा पाउडर करके हमने डाल दिया है इसमें 3 ग्राम, रौप्य भस्म 2.5 ग्राम जिसे चांदी भस्म भी बोलते हैं, शिलाजीत 2.5 ग्राम, अश्वगंधा 2.5 ग्राम, आमल की रसायन 2.5 ग्राम, शतावरी चूर्ण 2.5 ग्राम, भीमसेनी कपूर 2.5 ग्राम, गिलोय सत्व 2.5 ग्राम, अबरक भस्म सतपुट्टी 5 ग्राम। ये देखिए पंखा बंद कर करके हम औषधियाँ डाल रहे हैं, देखें कि कॉस्टली औषधियाँ हैं ताकि औषधि कोई ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगले का भी पैसा लगा होता है, हमारी भी मेहनत लगी होती है। तो इसके पहले हमने मकरध्वज 2.5 ग्राम डाल रखी है, रेगमाही 2.5 ग्राम, अकरकरा जो है वो भी 2.5 ग्राम डाल रखा है। अब हम इसमें डालनी हमारी रह गई है स्वर्ण भस्म, जो कि 1 ग्राम डालनी है, और इसके अलावा हमने हीरा भस्म 1 ग्राम डाल दी है, और फिर हम डालेंगे इसमें मोती पिष्टि 5 ग्राम। तो ये बड़ा ज़बरदस्त योग बन जाता है जौन रोगियों के लिए, जिनको अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है और जिनको उत्तेजना की कमी की समस्या है, तो उनके लिए ये बड़ा लाजवाब योग है। तो आप इसको बनवा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी समय से जो बाहर वाले भाई हैं उनकी फ़्लाइट्स वगैरह बंद थी, दवाइयां हम नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो हमें भी असुविधा हुई, कुछ भाइयों की पेमेंट भी आई हुई थी उनको भी असुविधा हुई। तो अभी ये असुविधा धीरे धीरे दूर हो रही है, तो जैसे ही दूर हो जाती है हम सभी की दवाइयां पहुंचा देंगे। तो ये स्वर्ण भस्म हमारे पास पुराने प्रिंट की मिल गई थी हमें 10,791 रुपये वाली, अभी तो नए रेट इसमें बैद्यनाथ में भी 13,000 के आसपास आ चुके हैं और दूत पापेश्वर में तो 15,000 के आसपास आ चुके हैं। तो ये स्वर्ण भस्म 1 ग्राम हम आपके बिल्कुल सामने डाल रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन क्वालिटी की 1 नंबर स्वर्ण भस्म हमने इसमें 1 ग्राम मिलानी है। तो इस तरीके से ये बड़ा ही ज़बरदस्त कड़ाकेदार योग बन जाता है। इसका एक एक कैप्सूल सुबह शाम लेना होता है। जिन मरीजों को गर्मी ज़्यादा है वो ठंडे दूध से ले लें, जिनको कोई गर्मी की शिकायत नहीं है वो कुनकुने दूध से ले लें। कुनकुने दूध में 1-2 चम्मच देसी घी के डाल के ले सकते हैं, तो 2 महीने खाएंगे तो आपकी सारी जो भी तकलीफें हैं इससे दूर हो जाएंगी। और बड़ा ज़बरदस्त इसका योग का रिजल्ट है, मैंने जितने भी रोगियों को दिया है सब ने इसकी वाह वाह की है, सब ने इसका जो स्तुति की है इसका गुणगान किया है, क्योंकि इसका योग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो हम काफ़ी समय से YouTube पे ये वीडियो डाल रहे हैं, YouTube से इस बीच हमने चैनल का नाम भी चेंज किया है, कुछ तकनीकी खराबियां आ गई थी जिस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। और फिर काफ़ी भाइयों ने हमें मैसेज किए, फ़ोन कॉल किए कि
कि आप नया वीडियो कोई ज़रूर बनाइए, हमें बहुत आपकी वीडियो हम चाव से देखते हैं। तो उन भाइयों के लिए अभी ये एक तोहफा हमने बनाया है, ये जो जोग बनाया है, तो आप इस जोग का इस्तेमाल करिए, बनवाइए इसको, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जोग बनता है, इसमें कोई भी शारीरिक कमी इसको खाने के बाद नहीं रहती है, चेहरे पे नया नूर चमक आ जाती है, बरकरार हो जाती है, और आदमी इससे वीर्यवान बनता है, धैर्यवान बनता है, आँखों से नया नूर झलकने लग जाता है, क्योंकि बाजीकरण औषधियों का कॉम्बिनेशन है। बाजीकरण औषधियों का जितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा उतने ही अच्छे उसके रिजल्ट होंगे। देखिए कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो तुरंत पर काम करती हैं, जैसे मकर ध्वज हो गई, रसंदूर हो गया, तो ये औषधियाँ टाइम टू टाइम कार्य करती हैं। जैसे कुछ औषधियाँ बाजीकरण हैं जो लंबे समय तक जिनका कार्य रहता है, जैसे मोती पिष्टी है, प्रवाल है, त्रिवंग भस्म है, और इन्होंने टाइम टू टाइम तो अपना कार्य करना ही करना है, इसके अलावा लंबे समय तक भी इनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। केसर है तो ये नसों की ब्लॉकेज को खोलता है, इसके अलावा सभी इसके जो घटक द्रव्य हैं, सभी घटक द्रव्य बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं, और इसके अलावा अवरक भस्म दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है। त्रिभंग भस्म है, ये भी बहुत अच्छा कार्य करती है, तो वीर्यवान बनाती है, बलशाली बनाती है, तो बहुत ही अच्छा योग है। आप सभी भाई जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप सभी का बहुत बहुत